सिद्धार्थनगर जनपद में सपा जिलाध्यक्ष की उपस्थिति और नगर पालिका अध्यक्ष की अगुवाई में दर्जनों सपा कार्यकर्ता रैली निकाल प्रदर्शन कर जीएसटी सहित 9 बिंदुओं को लेकर राज्यपाल संबोधित तहसीलदार बांसी को ज्ञापन सौंपा। बांसी नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इंद्रीश पटवारी के घर नरकटहा से तहसील तक दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने पैदल रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए तहसील तक आकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांसी नगर पालिका के कई वार्डो में सैकड़ों साल से बसे व्यापारियों को उजाड़ कर उनके ऊपर भारी कम जुर्माना जो लगाया गया उसे तत्काल निरस्त कराया जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जीएसटी की जो वसूली अवैध तरीके से हो रही है वो ना होकर उनको पहले सूचित करना चाहिए, उनको पहले नोटिस देनी चाहिए। नोटिस के साथ साथ जो व्यापारी जो किसान हैं, जो छोटे ठेले वाले हैं, इन सारे और फिर उसके बाद जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल हैं वो सारी चीज़ें खुली है, लेकिन मेडिकल स्टोर और छोटी डिस्पेंसरी वो बंद है। अगर कोई बीमार होता है या किसी को सडनली अटैक आता है तो ये बताइए वो कहाँ से अपने लिए दवा उपलब्ध कराएगा। मेडिकल स्टोर बंद है। मेडिकल स्टोर के साथ साथ आप ये बताइए जितने भी छोटे व्यापारी हैं, जिस वक्त जो है जीएसटी लागू हुई थी उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जीएसटी एक जगह ली जाएगी, कम्प्लीटली एक जगह ली जाएगी, छोटे व्यापारी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि इसको जल्दी से जल्द इसका जो है निस्तारण किया जाए ताकि। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।